वो ना बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। तो देखिए ये आ जाता है फ्लावर शेप में, मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेल होती हुई मिल जाती है, प्राइस भी बहुत रिजनेबल होती है। पाव मिल जाएगी, दो क्वालिटी आपको मिलेगी। देखिए ये दोनों ही हल्दी हैं, ये 50 की पाव, ये 60 की पाव, 120 रुपए का पाव आपको इस तरह से गरम मसालों का मिक्सर मिल जाएगा। ये 220 की पर केजी है। देखिए ये आ जाते हैं आपको पास्ते, ये भी आपको 50 रुपए किलो। देखिए अभी तक मैंने आपको छिली हुई बादाम दिखाई है, और ये देखिए पूरा इसकी ये वाली सब कुछ मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे मुझे ना एक चीज और दिखी, तो हम देखते हैं कि ये क्या है। भैया ये क्या है? तो मैं भी आपको ना मिल ही जाती है अगर आप यहाँ पे लेने आते हो। और देखिए भैया इस तरह से कुरकुरे वगैरह भी बना के देते रहते हैं। ये वाला 120 रुपए में उरद जो है, धुली हुई उरद है ये। ये कितने की है? 110 कितने का भैया? ये 36 रुपए। और ये क्या है? 400 रुपए। इससे पहले हम आ गए हैं यहाँ पे बादाम भैया के पास रखा हुआ, तो बादाम भैया कैसे हैं? और ये क्या है भैया? सिया सीड। अच्छा ये उसमें डाल के जायफल है ना भैया? जायफल। ये कितने के हैं? ये कितने का है? सॉरी, ये 600 रुपए किलो। ये पीपल है। तो देखिए हम नेक्स्ट शॉप पे आए हैं, इनके पास भी आपको इस तरह से काली मिर्च और ये जीरे और नीमे मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम अरे देखिए छुआरे कई तरह के मिल जाएंगे आपको, एक ही वाला मिलता है। अरे दोनों एक है। ये कितने का है? ये वाला देखिए 180 रुपए का मिलेगा, और ये वाला। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें सेल हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम छत्रपुर न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं पीली कोठी, और आज हम यहीं का ब्लॉग बनाएंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सेल हो रही हैं और क्या क्या रेंज होने वाली है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ तक हमें आना कैसे। यहाँ आने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो होगा वो आपका 30,000 होगा, और वहाँ से कोई सा भी कैनवस लेके आप आएंगे, बिल्कुल आपको जो है वो मिठाई पुल पर ड्रॉप करेंगे। और उसके सामने बिल्कुल ये देखिए ये अवंतिका बाई चौक मिलेगा, और उसी के बिल्कुल बगल में आपको ये ड्राई फ्रूट्स की मसालों की मार्केट मिल जाएगी पूरी पीली कोठी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल बनाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया करिए, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मिठाई पुल, और ये रिक्शे वाले भैया ना आपको यहीं पर ड्रॉप करेंगे। देखिए यहाँ कितने सारे रिक्शे वाले भैया खड़े हैं, तो ये यहीं पर आपको छोड़ेंगे। और ये मिल जाएगा आपको अवंतिका बाई चौक, और इसके बगल ही कुछ इस तरह से आपको मार्केट मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या प्राइस होने वाली है इनकी और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको सेल होती हुई मिलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं ये काली मिर्च। भैया काली मिर्च कैसे है? 180 रुपए के 250 ग्राम। और ये जीरे 350 रुपए किलो। ये 350 रुपए किलो आपको ये जीरा मिल जाएगा। तो देखिए और यहाँ पे जो आपको मिलेगा ना बिल्कुल बढ़िया और एकदम एक नंबर का रहेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ख़राब सा है या फिर कुछ भी। और ये देखिए आपको ये मिल जाते हैं मखान लावे। ये मखाने कैसे भैया? 800 रुपए किलो। ये आपको 800 रुपए किलो मिलेंगे। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे चीज़ बिल्कुल फ्रेश होता है, एकदम बढ़िया, आपको ऐसा नहीं कि गंदा संदा या फिर कटा पिटा कुछ भी ऐसा नहीं। ये भैया धनिया 100 रुपए किलो। ये धनिया आपको 100 रुपए किलो मिलेगी। और ये देखिए छुआरे कई तरह के मिल जाएंगे आपको, एक ही वाला मिलता है। अच्छा ये कितने का है? 160 का ये वाला आपको मिलेगा, और ये वाला आ जाता है आपको 180 में। ये कलर भी थोड़ा थोड़ा आपको इसका दोनों अलग दिखेगा, थोड़ा सा ये इसका बहुत थोड़ा लाइट कलर, इसका थोड़ा सा डार्क। और आगे देखते हैं ये देखिए ब्लैक कलर का। ये भैया कैसे है? ये भी आपको 180 मिल जाए। ये ब्लैक क्यों है भैया? अच्छा अच्छा ये नेचुरल है। देखिए ये ना आपको बिल्कुल जैसे पेड़ से मिलेगा नेचुरल, तो ये मिलेगा, और वो ये एक बार वाश किया हुआ है 180 रुपये में। और देखिए किशमिश की वैरायटी भी आपको मिल जाएगी। ये भैया किशमिश है ना? ये कितने का है? ये वाला देखिए 180 रुपये का मिलेगा, और ये वाला 200 रुपये किलो का। ये भी 200 का है, 240। और ये वाला 240। तो देखिए कितनी वैरायटी का मैंने किशमिश देखा। और यहाँ गोले कितने फ्रेश है, कितने के हैं? 120 रुपये में।
तो ये सारी चीजें देखिए कितनी बढ़िया यहाँ आपको मिल जाती है भैया जी की शॉप पे। बिल्कुल चौक के बिल्कुल बगल में ही सबसे पहली शॉप भैया की पड़ेगी और ये वाले भैया मिलेंगे आपको। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें सेल हो रही है। तो देखिए हम नेक्स्ट शॉप पे आए हैं, इनके पास भी आपको इस तरह से काली मिर्च और ये जीरे और मेवे मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इनके पास आपको कौन कौन से इस तरह से मसाले मिल जाते हैं। ये भैया कितने रुपए किलो है? 600 रुपए किलो। और ये जीरे 300 रुपए का। इधर आ जाए और यहाँ पे देखते हैं कि और भी बहुत सारे मसाले हैं, जैसे कि लौंग कैसे भैया? लौंग 1000। ये लौंग आपको 1000 रुपए किलो मिल जाएगी, बट एकदम फ्रेश आपको। ये कितनी बढ़िया लौंग है, बिल्कुल फ्रेश मिलेगी 1000 रुपए किलो में। और यहाँ पे देखिए ये काले ये सॉरी बड़ी इलायची कितने के भैया? 1200 रुपए के जी आपको ये बड़ी इलायची मिल जाएगी। और ये दालचीनी, दालचीनी 280 रुपए किलो, 280 रुपए किलो। और ये क्या है भैया? स्टार फूल कितने का है ये? 1200 रुपए में स्टार फूल आपको ये देखिए 1200 रुपए में मिल जाएंगे। और बढ़िया स्टार फूल है, देखिए कितने सुंदर हैं, ये आपको 1200 रुपए के मिल जाएंगे, है ना भैया? और ये सोठ है कितने के हैं? 400 रुपए के जी, 400 रुपए किलो में आपको ये सोठ मिल जाएगी। और ये जायफल है ना भैया? जायफल ये कितने के हैं? 800 रुपए किलो। तो देखिए ये 800 रुपए किलो आएगा जायफल, ये भी मसाले गरम मसाले में आता है। तो इनके पास देखिए और भी बहुत सारे मसाले, देखिए जैसे कि आपको ये मिल जाती है जावित्री। भैया ये जावित्री कैसे? 1800 रुपए किलो आपको ये जावित्री मिल जाती है। और ये शाही जीरा है, ये देखिए आपको ये शाही जीरा मिलेगा, ये नॉर्मल जीरा और ये शाही जीरा, देखिए आपको फर्क दिख रहा होगा, ये शाही जीरा और ये नॉर्मल जीरा। ये कितने रुपए किलो है भैया? 1200 रुपए। ये आपको शाही जीरा मिल जाता है 1200 रुपए किलो। और ये पीपली, हाँ ये कितने का है? सॉरी 600 रुपए। ये 600 रुपए किलो ये पीपल है, ये भी गरम मसाले में आते हैं, देखिए ये भी गरम मसाले में आते हैं, ये भी पीपल है। और ये आ रहा रतन जोत है ना भैया, ये कितने का है? ये रतन जोत आएगा आपका 400 रुपए किलो में। और ये छबीला, ये 600 रुपए किलो है ना। और ये क्या भैया? अच्छा ये कबाब चीनी है, ओ ये इसको कहते हैं कबाब चीनी। देखिए ये बिल्कुल आपको लगेगा कि काली मिर्च है, लेकिन ये है कबाब चीनी और काली मिर्च, ये मिल जाएगी आपको काली मिर्च और ये मिलेगी कबाब चीनी। देखिए दोनों में कितना फर्क है, तो मुझे तो पता नहीं था कि कबाब चीनी ऐसी दिखती है, आज मैंने कबाब चीनी भी देख लिया। वैसे मसाले के बारे में मुझे पता है थोड़ा बहुत, कि सारे मसालों का नाम मुझे आता था, लेकिन कबाब चीनी मुझे नहीं पसंद थी, पता थी सॉरी। और ये आएगा पोस्ता दाना, पोस्ता ना भैया कितने का है? 1600 रुपए किलो में। तो ये आपको पूरे मसाले मैंने आपको दिखा दिए, बहुत सारे मसाले हैं भैया के पास। और इनको कंप्लीट करने के लिए मिलेगी आपको ये लाल मिर्च, ये कैसे भैया? 200 रुपए किलो। देखिए आपको लाल मिर्च मिल जाएगी 200 रुपए किलो में। तो ये तो रहे गरम मसाले, और आपको साथ ही साथ मिलेंगे ड्राई फ्रूट्स भी। तो देखते हैं भैया के पास ड्राई फ्रूट्स क्या क्या है। सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ पे बादाम भैया के पास रखा हुआ, तो बादाम भैया कैसे हैं? 500 रुपए किलो। देखिए आपको ये 500 रुपए किलो बादाम में मिल जाएंगे। बादाम की कई क्वालिटी, देखिए एक ये है, एक ये वाले भैया ये 550, ये 550 के हैं, ये 600 के हैं। तो देखिए यहाँ पे तीन क्वालिटी की बादाम लगी हुई है, ये देखिए आपको ये 500, ये 550, ये 600 है ना भैया। और ये काजू, काजू भी 600 रुपए। अच्छा ये 600, ये 650 और ये 700 है ना भैया, ये 600 रुपए का। देखिए ये वाला 600 रुपए किलो का और ये 500 रुपए। जैसे जैसे क्वालिटी आपको मिलेगी वैसे वैसे आपको ये रेट भी मिलेंगे। और साथ ही साथ ये मिक्स है, मिक्स डाइट है। अच्छा ये मिक्स डाइट है, ये कितने रुपए किलो आते हैं? किलो पे 700, किलो पे आपको 700, ये 700 रुपए किलो सारे आइटम मिला हुआ है। अच्छा ये क्या है? ये सूखा कीवी। अच्छा ये सूखा कीवी है, बढ़िया भाई। देखिए ये सूखा कीवी आपको मिल जाएगा और इसमें ये चेली रेड बेरी है लाल। अच्छा रेड बेरी आएगा, ये देखिए इसमें रेड बेरी भी आपको मिला हुआ मिल जाएगा। जिनको अपनी मतलब की पर्सनालिटी ग्रो करनी है, सारा ड्राई फ्रूट मिला
सारे ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे देखिए इसमें। और ये आ रहा देखिए अखरोट, अखरोट कैसे भैया? अखरोट 500 रुपए की। 500 रुपए की, ये वो लोग लेते हैं जो जिम वगैरह करते हैं ना भैया, जो करता उसके लिए। ये जो जिम वगैरह करते हैं ना उनके लिए ये पूरा मिक्स डाइट बना के देते हैं भैया लोग। अगर अलग से बनवाना चाहे तो अलग से भी बना देते हैं ना भैया, अलग से भी बना देंगे। वैसे ये बना बनाया अभी ऐसे मिलता है। और ये क्या है, पम्पकिन सीड? ये सनफ्लावर सीड। अच्छा, ये सनफ्लावर सीड है ये। और ये पम्पकिन, ये भी ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। ये देखिए पम्पकिन सीड। और ये खरबूजा मगज। और वो भैया? अच्छा तरबूज। देखिए कैसे सारी चीजें आपको ये मिलते हैं। और ये क्या है भैया? सिया सीड। अच्छा ये उसमें डाल के, तो हम अभी देख रहे थे ये सिया सीड है, ये पानी में भिगो वगैरह के खाते हैं, बहुत लोगों ने खाया भी होगा। और ये आ जाता है ये हरा पिस्ता मिल जाएगा। कितने का भैया ये? 36 रुपए। और ये क्या है? 400 रुपए किलो मुनक्का। ये कितने का आएगा? ब्लैकबेरी। ये ब्लैकबेरी ये सूख गया है, ब्लैकबेरी है ये। हाँ हाँ ब्लैकबेरी। और ये मतलब कि कितने का है? ये किलो पे है 350। किलो का है 350। और ये भैया ये गोंद है, ये कितने का है? 600 रुपए किलो ये गोंद है। ये भी ड्राई फ्रूट्स में आता है ना? तो देखिए ये पूरे ड्राई फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे, सब सामान मिल जाएगा। फ्रेंड्स मैंने अभी देखा, हम लोगों ने देखा भी ड्राई फ्रूट्स मसाले, और अब हम देखने वाले हैं दाल। तो देखते हैं यहाँ की क्या वैरायटी की दाल मिल रही है। ये देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सी दाल है। भैया आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी दाल दिख रही है। देखिए तो भैया से यहाँ पूछेंगे कि कौरिके की प्राइस देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ये वाली दाल, ये मुझे लगता है कि ये है ये कौन सी दाल है भैया? भैया हाँ उड़द धुली है, कितने रुपए किलो की है ये वाला? 120 रुपए में उड़द जो है, धुली उड़द है ये, 120 रुपए में आएगी। और ये धुली वाली उड़द भी है ये भी, और ये पर 100 रुपए किलो में आएगी क्योंकि ये बिल्कुल फाइन है देखिए ये। और इसमें बीच बीच में आपको इस तरह के काले काले दिख रहे, इस वजह से इसमें ये 100 रुपए किलो आ जाती है। और ये आ जाती है आई थिंक मूंग की दाल है ये। ये मूंग है, कितने रुपए किलो है? 120 रुपए किलो। और ये 100 रुपए। देखिए ये भी मूंग है, पर इसकी दाल ना थोड़ी बड़ी बड़ी है, पर ये मुझे थोड़ी छोटी छोटी दिख रही है। तो ये 100 रुपए किलो है, और ये आएगा 120 रुपए किलो। और ये तूर की दाल है ना, अरहर की दाल, क्या प्राइस है? 120 रुपए। देखिए ये अरहर की दाल आ जाएगी 120 रुपए किलो में। और ये आएगी खड़ी उड़द, ये खड़ी उड़द है, क्या प्राइस है? ये खड़ी उड़द मिल जाएगी आपको 110 रुपए में, काली खड़ी उड़द है। और ये आ जाएगी हरी खड़ी उड़द, देखिए ये वाली, ये दिखती हूँ हरी खड़ी उड़द है। ये कितने की है? 110। ये खड़ी उड़द 110 आ जाएगी। और ये दाल आएगी उड़द की, काली उड़द की दाल आ जाती है। ये मूंग है क्या? ये मूंग है, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ये मूंग है, मुझे लगा खा रही है, पर ये मूंग है। और ये आएगी उड़द, और ये मूंग की दाल है, देखिए ये आ जाती है विदाउट धुली हुई आएगी उड़द की दाल। ये कितने की उड़द की दाल? 110। और ये क्या है? मलका की दाल है ये। ये कितने की है? 90 रुपए की, ये आएगी आपको 90 रुपए की। तो देखिए हमने इतनी दाल देखी। और यहाँ पर देखिए ये चने की दाल भी, ये कितने की है? चने की दाल ये 100 चने की है। और ये किसकी फिर? ये अरहर की है 100 रुपए की। तो देखिए अरहर की है, और ये भी अरहर की, ये 100 रुपए में आएगी। इस तरह देखिए दाल की आपको बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, मसाले की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ना आपको इस तरह से अच्छे अच्छे रेंज में मिल जाती हैं। ये चने की भैया कितने की है? भैया बीजी, चलिए कोई नहीं आगे चल के देखते हैं। और तो
मेरा मन किया क्यों नहीं भी आप लोगों को दिखा जाए, कितने बड़े बड़े नींबू देखिए, जैसे बिल्कुल अमरूद लग रहे हैं। इतने बड़े कैसे दे रहे हैं अंकल जी नींबू? 50 रुपए की आधा किलो नींबू है, बड़े महंगे नींबू है। साथ ही साथ लहसुन भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, बड़े बड़े बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। लहसुन कैसे है लहसुन भैया? 60 रुपए का आधा किलो, 60 रुपए की आधा किलो। तो लहसुन भी देखिए कितने महंगे हैं। तो चलिए और भी आपको चीजें दिखा देते हैं यहाँ पे ना, इस तरह पेठा वगैरह भी अंकल जी सेल करते हैं। कैसे दे रहे हैं भैया? 30 रुपए के एक पाव, ये भी आपको वही 60 रुपए की आधा किलो मिलेंगे, 30 रुपए पाव मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें भी आपको ना मिल ही जाती है अगर आप यहाँ पे लेने आते हो। और देखिए भैया इस तरह से कुरकुरे वगैरह भी बना के देते रहते हैं। तो देखिए अभी तक मैंने आपको छिली हुई बादाम दिखाई है, और ये देखिए पूरा इसकी ये वाली, ये छिलके के साथ वाली बादाम है। कैसे दे रहे हैं अंकल जी ये बादाम? 400 रुपए किलो ये छिलके वाली बादाम आपको मिल जाती है। और साथ ही साथ देखते हैं बादाम के साथ आपको ना इस तरह से छिलके वाले अखरोट भी मिल जाएंगे। मोस्टली तो आपको ना यहाँ पे मिलते हैं जो है विदाउट छिलके वाले, यहाँ पे बट छिलके वाले। ये कैसे दे रहे हैं अंकल जी? भैया ये कैसे दे रहे हैं अखरोट? 400 रुपए किलो ये फ्रेश अखरोट आपको मिल जाएंगे 400 रुपए किलो। तो ये तो रहे अखरोट। और यहाँ पे ना मैंने देखी थी ये चाय की पत्ती वगैरह भी भैया सेल करे। भैया ये कैसे दे रहे चाय की पत्ती? 150 रुपए किलो। देखिए आपको खुली चाय पत्ती अगर लेनी ना तो यहाँ से आप खुली चाय पत्ती भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें मिल जाती है। देखिए इस तरह से आपको ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे 1-to-1 करके लगी होती है शॉप, बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। बड़ी बड़ी चीजें काफी अच्छी कलेक्शन है, जो भी लेना हो ना आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे मुझे ना एक चीज और दिखी, तो हम देखते हैं ये क्या है। भैया ये क्या है? ये सतावरी। अभी आएंगे ना वो चीज भी मिल जाएगी जो आपने मार्केट में बहुत ढूंढी और आपको नहीं मिल रही हो। तो यहाँ पे आएंगे आपको सफेद मछली बोलते हैं, ये है सतावर। कितने रुपए किलो है ये? 100 का 100 ग्राम, 100 का 100 ग्राम मिल जाएगा। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो और यहाँ पे देखिए घर से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें और भी मिल जाती है, जैसे कि ये ऑयल वगैरह हो गए। देखिए ये ऑयल वगैरह, देखिए ये साबुन दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए भैया ना पास्ता वगैरह भी सेल करते रहते हैं, इस तरह का पास्ता जिस तरह का चाहे। 50 रुपए किलो देखिए यहाँ पे पास्ता आपको 50 रुपए किलो मिल जाएगा। इस तरह से मैक्रोनी वगैरह ये भी यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये सिमई, ये कैसे दे रहे सिमई? 50 रुपए किलो। देखिए कोई भी चीज ले लीजिए यहाँ पे, कितनी फ्रेश है ना यहाँ पे, आपको बहुत ही अच्छा मिलेगी सारी चीजें, एकदम बिल्कुल फ्रेश मिलेगी 50 रुपए किलो में। और ये देखिए ये आ जाते हैं आपको पास्ते, ये भी आपको 50 रुपए किलो। इसके बगल ही देखिए आपको मैक्रोनी भी मिल जाएगी, ये देखिए ये भी आपको 50 रुपए किलो मिलेगा। और ये मिक्स पापड़ कैसे दे रही है? कोई भी ले ले 50 रुपए किलो। देखिए ये पापड़ भी आपको ना यहाँ पर 50 रुपए किलो मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया और काफी अच्छे रेंज में मिल जाती रहती है। तो आ रहे थे एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करें, अगर आप सदर आए हैं तो एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करिए। तो अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट शॉप पे, और यहाँ ना तो यहाँ मिल जाएगी आपको ये देखिए हल्दी। तो देखते हैं हल्दी भी क्या प्राइस की, क्या प्राइस की अंकल जी हल्दी? ये 220 की पर केजी है। देखिए 220 रुपए की आपको पर केजी आपको हल्दी मिल जाएगी, ये खड़ी हुई हल्दी है। और इनके पास आपको खड़ी धनिया भी मिल जाएगी। ये खड़ी धनिया कैसे है भैया? 100 रुपए किलो आपको खड़ी धनिया मिल जाएगी। धनिया वगैरह की क्वालिटी देखिए आप बिल्कुल क्लोज से, बहुत ही बढ़िया धनिया होती है बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश। और इनके पास आपको अंजीर भी मिलेगा। अंजीर भैया 900 रुपए किलो अंजीर मिलेगा, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश अंजीर है ये, बिल्कुल 900 रुपए किलो। और ये धनिया कैसे? 120 रुपए किलो आपको ये धनिया मिल जाएगी। ये थोड़ा मुझे ये वाली ना मुझे देसी लग रही है, ये दूसरी वाली लग रही है। और ये आएगी यहाँ पे 120 की। और ये मिल जाएगी आपको खड़ी मिर्ची। खड़ी मिर्च कैसे है? 260 रुपए किलो। यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से पिसे हुए मसाले भी मिल जाएंगे। और ये वाली हल्दी
60 की पाव है, वो 50 की पाव। अच्छा, ये देखिए आपको 60 की पाव मिल जाएगी, दो क्वालिटी आपको मिलेगी। देखिए ये दोनों ही हल्दी है, ये 50 की पाव, ये 60 की पाव है ना। और ये दोनों मिर्ची है ना। और ये कितने की है? ये फूटी हुई 60 की पाव है, ये पीसी। अच्छा अच्छा, वो मोमो चटनी है। अच्छा, ये मोमो चटनी चिली पटेटो वाली, देखिए ये कुटी हुई है ना। तो देखिए ये क्वालिटी की होती है, ये कुटी हुई है और ये पीसी हुई है। इसकी क्या प्राइस बताएं? 50 का पाव। ये 50 की पाव, ये वाले 60 की पाव है ना, ये 60 की पाव। और ऐसे ही देखिए आपको दो क्वालिटी में यहाँ पे धनिया मिल जाएगा, ये वाली ये 30 का पाव मिलेगा, ये 40 का पाव मिलेगा। तो देखिए इसकी वो एक क्वालिटी है, पीसी और कुटी है। तो देखिए ये पीसी वाली है और ये, अच्छा अच्छा, कोई मोटी थोड़ी सी खाता खाना पसंद करता है, थोड़ी सी बारीक खाना पसंद करता है। ये गरम मसाले पाउडर है, ये गरम मसाला मिल जाएगा। कितने का है? 260 रुपए का पाव। ये जीरा है ना, तो ये देखिए आपको इस तरह से पीसा हुआ मसाला भी मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ ये आपको खड़े मसाले, इसको मैंने आगे दिखाया ही था आपको, तो यहाँ पे मसाले वगैरह भी बहुत बढ़िया आपको मिल जाएगा। और यहाँ देखिए सौंफ वगैरह भी मिल जाती है, तो हम आपको पास से दिखाते हैं। देखिए ये आएगी सौंफ, ये कैसे है? 100 का पाव है, 100 का पाव आपको ये सौंफ मिल जाएगी। और ये कलौंजी है ना, ये कितने के हैं? 30 का 50 ग्राम। और इधर मिल जाएगी आपको मेथी, मेथी दाना 40 का पाव, मेथी दाना आपको 40 का पाव मिलेगा। और ये अजवाइन 80 रुपए पाव। तो बहुत दूर से मैंने कवर किया, इस वजह से मैं इसको हाथ से नहीं दिखा पा रही, पर कोई बात नहीं। ये है मिक्स मसाले है ना, ये कैसे है? 120 रुपए का पाव आपको इस तरह से गरम मसालों का मिक्सर मिल जाएगा, सारा मिक्स है। देखिए इसमें आपको ये बड़ी इलायची मिल जाएगी, छोटी इलायची मिल जाएगी, ये देखिए ये सारी चीजें आपको इसमें, छबीला वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये 120 रुपए पाव मिलेगा। तो इस तरह की चीजें आपको अलग अलग शॉप पे ना अलग अलग क्वांटिटी में मिल जाता है। तो चलिए, और तो अभी हम आ गए नेक्स्ट शॉप पे, और भैया की शॉप पे, इनके पास आपको ना बहुत ही प्यारे प्यारे चीजें मिल जाती है, मतलब चिप्स पापड़ आपको ना बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। तो देखिए ये आ जाता है फ्लावर शेप में, तो देखते हैं इनका क्या प्राइस। भैया इनका क्या प्राइस है? 100 रुपए किलो। ये आ जाता है आपको 100 रुपए किलो। और ये आलू चिप्स, ये आलू चिप्स भी देखिए आपको मिल जाएगा, घर की बनी बिल्कुल आलू चिप्स है, ये 120 रुपए किलो आएगा। 120 रुपए भैया, 120 रुपए किलो आएगा। और ये आ जाता है, ये भी आपको चिप्स मिलेगा, ये भी 100 रुपए किलो ही मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ना चिप्स की अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी, ये देखिए 100 रुपए किलो में ये। और इधर तो देखिए आपको और भी बहुत सारे चिप्स मिल जाते हैं, ये कलरफुल। ये कितने का भैया? 50 का पाव। ये 50 रुपए पाव आएगा, ये भी 50 रुपए पाव। अच्छा, ये भी 50 रुपए पाव आ जाते हैं। ये देखिए आलू वाली चिप्स, ये सारे आपको 50-50 रुपए पाव आएंगे। ये भी चिप्स है भैया, ये 50 रुपए पाव आएंगे। इसमें से कोई सा भी लेंगे आपको ये 50 रुपए पाव पड़ेंगे। बढ़िया चीज, काफी अच्छे है। तो आप मार्केट आ रहे हैं, अगर पीलीकोठी आप आते हैं, तो आपको ये सारी चीजें ना बहुत इजी मिल जाएगी, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटी में आपको ये सारी चीजें यहाँ पे सेल होती हुई मिल जाती है। प्राइस भी बहुत रिजनेबल होती है।